हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका किचन। आज हम आपके साथ बहुत ही सिंपल और टेस्टी चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने तेल करीब 4 से 5 टेबल स्पून लिया है। अब इसमें हमने डाल देना है सारे खड़े मसालों को। तो हमने लिया है जीरा, सौंफ, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची। तेज़पत्ते को हमने थोड़ा छोटा छोटा कट कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब इसमें हमने डाल देना है प्याज। प्याज हमने 4 मीडियम साइज़ की ली हुई है और ये हमने मोटी मोटी कट करके ले ली है इस स्लाइसेस में। इस तरीके से आप रफ शेप में कट कर सकते हैं। अब इसे हमने अच्छे से कुक कर लेना है कि प्याज जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस टाइम पर फ्रेंड्स फ्लेम को रखिए हाई और इसे मिक्स करते हुए अच्छे से कुक कर लीजिए। साथ ही हमने डाल देना है हरी मिर्ची। अपने टेस्ट के हिसाब से आप हरी मिर्ची डाल दीजिए। और हमने डाल देना है काजू, 8 से 10 हमने काजू लिया है। और साथ ही हमने डाल देना है 1 टेबल स्पून खसखस। फ्रेंड्स, जो दानेदार होता है वो वाला हमने लेना है। अब इसमें हमने डाल देना है नारियल। ये हमने आधा कप नारियल लिया है, उसे इस तरीके से स्लाइसेस में कट करके डाल दिया है। थोड़ा बारीक पतला पतला किया है ताकि पेस्ट बनाते टाइम अच्छे से पेस्ट बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छे से रोस्ट हो चुका है। प्याज जो है वो कलर चेंज कर चुकी है। आप फ्लेम को हाई और लो करते हुए इस तरीके से कुक कर लीजिए जब तक अच्छे से इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर हमने इसे भी स्लाइसेस में कट कर लिया था। जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे हमको अच्छे से कुक करते रहना है। तो देखिए हम इसे मिक्स करते हुए कुक कर लेते हैं। अब इसको साइड में कर लेंगे, अगर थोड़ा सा तेल निकलेगा तो उसे निकाल देंगे और इसे अब हम थोड़ा प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। फ्लेम को कर देना है ऑफ ताकि जो नीचे का बचा हुआ मसाला है वो जलना ना शुरू हो जाए। तो बारी बारी सारे मसालों को हमने निकाल लेना है। अब इसे हम थोड़ा देर के लिए ठंडा कर लेते हैं, फिर इसका पेस्ट बनाकर हम रेडी कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा और तेल डाल देना है और जो चिकन की हमने पीसेस ली हुई हैं उसे अच्छे से कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर तेल बचा हुआ रहेगा तो तेल मत डालिए उसमें, अगर नहीं बचा है तो थोड़ा सा तेल आप डाल दीजिए, 4 से 5 टेबल स्पून। अब इस पीसेस को चिकन के हमने वॉश कर लिया था, उसका पानी सारा निकाल लिया और उसे सिर्फ बगैर किसी मसाले के साथ अच्छे से कुक कर लेना है कि जो चिकन के पीसेस हैं वो अच्छे से भून जाएं। फ्रेंड्स, इसकी वजह से बहुत अच्छा से इसका टेस्ट आता है। देखिए सबका कलर चेंज हो चुका है, बहुत अच्छे से ये भून कर रेडी हो चुकी है। और जब तक कलर चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स तब तक हमको इसको भूनना है। टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स इसका, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी आपको, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। आप वो सब रेसिपीज़ भूल जाएंगे, घर पर इसको एक बार ट्राई कीजिए। अब इसको भी हमने निकाल लेना है और इसे भी साइड में रख देंगे। अब देखिए हमने इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, थोड़ा मसाला ज़्यादा था तो 2 बार में हमने इसका पेस्ट रेडी किया हुआ है और इसको अब हम कुक करेंगे। फ्रेंड्स, जो ब्लेंडिंग जार था उसको अभी हमने साइड में रख दिया है, उसको पानी डालकर थोड़ा सा हम बाद में यूज़ करेंगे तो इसलिए उसको थोड़ा साइड में रख दिया है। जितना पेस्ट था अभी उसको हम अच्छे से कुक करेंगे कि जो पानी है इसके अंदर वो ड्राई हो जाए और जो तेल है वो अलग हो जाए। तो इसके लिए हमको इसे कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करते हुए कुक करना है कि बीच में ये लगे ना। साथ ही हम कुछ मसाले डाल देते हैं ताकि मसालों में भी अच्छा सा ये कुक हो जाए, कच्चापन ना रहे। तो हमने डाल देना हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपने हरी मिर्चें भी ली हुई थी, देगी मिर्चें भी हमने 1/2 चम्मच ली हुई है, गरम मसाला पाउडर भी हमने 1/2 चम्मच लिया है और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मिक्स करते हुए अच्छा खासा ड्राई हो चुका है, तेल भी करीब अलग होना शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप मसाले पहले डाल देंगे तो उसमें कच्चापन जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा पहले ही डाल दीजिए। यानी जैसे ही आप प्याज डालेंगे थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाएगा तभी आप मसाले डाल दीजिए। फिर उसमें जब अच्छा सा ये तेल अलग हो जाएगा तो इसमें हमने चिकन की पीसेस जो हमारी डाली कुक करके रखी हुई थी उसे डाल देंगे। अब फ्रेंड्स, जो ब्लेंडिंग जार हमने साइड में रखा हुआ था उसमें थोड़ा सा यानी करीब 1/2 कप पानी हमने लेना है और उसको अच्छे से साफ करके उसे भी डाल देंगे। इसमें पानी अपने हिसाब से डाल दीजिए, अगर चिकन ज़्यादा गला हुआ नहीं है तो आप उस हिसाब से डालिए कि चिकन अच्छे से गल जाए। अब इस पर हम लीड लगाकर इसे कुक करेंगे कि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए और इसे थोड़ा थोड़ा टाइम पर हम मिक्स करते रहेंगे।
फ्रेंड्स, इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। एक बार इसे ट्राई कीजिए। रेस्टोरेंट के जो टेस्ट होते हैं उससे भी बहुत टेस्टी होता है। आप वो सब टेस्ट भूल जाएंगे और इसे घर पर ही अच्छे, सस्ते और कम मेहनत में अच्छा सा आप टेस्ट पाएंगे। तो देखिए, मसाला काफ़ी अच्छा रेडी हो चुका है, यानी ड्राई होना शुरू हो चुका है, और चिकन की जो पीसेस हैं वो भी गल गई हैं। तो इसे थोड़ा देर तक हम आप कुक करेंगे ताकि जो तेल है वो अलग हो जाए। तंदूरी रोटी के साथ फ्रेंड्स इसे सर्व कीजिए। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी है। साथ ही हमने डाल देना है हरा धनिया बारीक कट किया हुआ ऊपर से। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गर्मा गर्म इसे आप सर्व कीजिए तंदूरी रोटी के साथ, चावल के साथ। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी सा फ्रेंड्स, देखिए ये बनके रेडी हो चुका है। सर्विंग करते टाइम आप इस पर थोड़ा सा काजू भी डाल सकते हैं। बहुत ही यम्मी बनके रेडी हुआ है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई कीजिए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।